हरियाणा के सोनीपत पुलिस ने दो ऐसे शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा से दिल्ली में शराब की अवैध रूप से सप्लाई करने के कार्य में जुटे हुए थे। आरोपी शराब तस्करी के लिए जिस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे उसके आगे और पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर भी लगा रखा था। रात को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो है नाइट डोमिनेशन था, हमने विवेकानंद चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी। तो रात को एक गाड़ी आई एसएक्स फोर सफ़ेद रंग की, जिसको चेक किया जिसमें दो लड़के बैठे थे, जिनसे वो एकदम से गाड़ी वापस मोड़ने लगे थे। तो जैसे ही डाउट हुआ उनको रोका, तो उनके से पूछताछ करी और गाड़ी को चेक करा, तो गाड़ी में दारू भरी हुई जिसमें कुल जो है 14 पेटी तो इंग्लिश की दारू थी और 18 पेटी जो है वो देसी संतरा थी। जो दोनों लड़के हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। दोनों लड़के जो है दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या नाम है? नाम जी। और जो गाड़ी जिस गाड़ी के अंदर वे शराब लेके जा रहे थे उस गाड़ी के आगे और पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, जिसकी हमने इसके बारे में भी पूछताछ करी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके संबंध में इसके संबंध में भी हमने एक धारा इनके खिलाफ लगाई। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।